जाइन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससीईटी कांस्टेबल में जो भर्ती होता है, जैसा 8 वाहिनी है तो बीएसएफ की सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी कितनी मिलता है, ट्रेनिंग के टाइम आपको कितनी सैलरी मिलती है, पूरा दोस्तों सैलरी के बारे में जानेंगे और ज़्यादातर पे ये जानेंगे बीएसएफ की। ठीक है, आज की जो मेन टॉपिक है बीएसएफ की सैलरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं एसएससी की तरफ से जो भर्ती होता है, एसएससी के थ्रू भर्ती होता है बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसकी सैलरी के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इसी चैनल में सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आपको पता है, आपको बेसिक पे सबसे पहले हम दोस्तों डिटेल्स बात करते हैं A to Z। ठीक है, तो बेसिक पे आपको मिलता है 21,700 से लेकर आपको स्टार्टिंग होता है 69,100 तक। ठीक है, ये हो गया बेसिक पे। तो बेसिक पे दोस्तों आपको जितनी सर्विस होगा उतनी आपको बेसिक पे भी फिर बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो बेसिक पे दोस्तों आपको स्टार्टिंग कितना होगा 21,700 से। जैसे आपको भर्ती होगा, आपका ट्रेनिंग के टाइम आपको बेसिक पे मिलेगा 21,700 स्टार्ट होगा। ठीक है, और आपको अगर पूरा सर्विस आपके दौरान अगर पूरा आप सर्विस करेगा 60 साल तो आपको 69,100 तक आपको बेसिक पे होगा। ठीक है, तो बेसिक पे के अलावा और भी बहुत कुछ अलाउंस आपको मिलता रहता है। तो अगर आपको दोस्तों अगर बेसिक पे मान के चलिए 21,700 तो आपको DA मिलता है बेसिक पे का 50%। ठीक है, तो अगर 21,700 का अगर 50% किया जाएगा तो आपको 10,850 आपको मिलेगा DA, मतलब ये जो ट्रेनिंग के टाइम आपको अभी सैलरी बता रहा है। ठीक है, फिर मैं ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये भी मैं बताऊंगा। तो आपको बेसिक पे हो गया 21,700, आपको DA हो गया आपका बेसिक पे का 50%, मतलब 10,850 अगर कैलकुलेट करेगा तो आपको 10,850 रुपये आएगा। ठीक है, तो DA हो गया आपको 10,850 रुपये, DA ARR + TPT। ठीक है, इसके लिए वहाँ 1,936 रुपये मिलता है। फिर RMM मतलब आपका रेशन मनी, आपको जो खाने के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, जैसे आर्मी में क्या होता है रेशन आता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में जैसे क्या होता है, जितनी भी फोर्स है पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आता है तो उनके लिए रेशन मनी आता है। तो आपको RMM एक महीने का आपको मिलेगा 4,342 रुपये। ठीक है, फिर HRR, ठीक है, HR मतलब हार्डशिप अलाउंस, HRA मतलब ये हार्डशिप हो गया, ये हार्डशिप एरिया मतलब जिस एरिया में आप काम करेगा, ये तो ट्रेनिंग के टाइम आपको नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के टाइम आपको बिल्कुल जीरो रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम आपको जहाँ पे ट्रेनिंग होता है वहाँ पे कोई रिक्स जाएगा नहीं है, आपको सिटी में आपको ट्रेनिंग होता है, तो ये जो हार्डशिप अराउंड से आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आपको क्या होता है, जो आपको नॉर्मल सिटी होता है उसमें आपको ट्रेनिंग होता है, कोई रिक्स जगह पे नहीं होता है, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर में आपको हार्डशिप अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो ये जो 6,000 हो गया मिनिमम दोस्तों, आपको 6,000 हो गया, अभी तो मिनिमम 7,000 कर दिया। ठीक है, पहले 6,000 था, अभी तो मिनिमम 7,400 कर दिया। तो ये जो हार्डशिप अलाउंस है आपको मिनिमम 7,400 आपको मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आपका जो अपना पोस्टिंग जाएगा, आपका जैसे एक महीना मतलब एक साल आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जैसे अपना पोस्टिंग जाएगा यूनिट पे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको हार्डशिप अलाउंस आपको मिलते रहेगा, मिनिमम 7,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और भी जो रिक्स एरिया में क्षेत्रों में अगर आप ड्यूटी जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, लद्दाख ले हो गया, ठीक है, आपको झारखंड का कुछ जगह हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत कुछ जगह है आपको जहाँ पर आपको मान के चलो रिक्स ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से दोस्तों जो हार्डशिप अलाउंस भी बढ़ते रहता है। मिनिमम तो आपको 7,000 मिलेगा, लेकिन 17,000-21,000 तक आपको भी मिलते रहेगा, मतलब उसी एरिया के क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, इसलिए दोस्तों मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो कोई फिक्स नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हो गया दोस्तों HRA, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस आपको 2,016, ये भी सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, फिर TPT और अब मिलता है 2,700। ठीक है, फिर शॉप अलाउंस मिलता है आपको 45 रुपया और राम अलाउंस मिलता है आपको 68 रुपया। ठीक है, तो ये दोस्तों मेन हो गया, ये तो आपको मिलता रहता है। फिर आपको जो 10% आपको जो NPS हो गया तो उसके लिए 10% अभी काटता भी है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपको लगभग ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है, लगभग ट्रेनिंग सेंटर में आपको 39 या 40,000 तक आपको मिल जाएगा, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में आपको 40,000 आपको सैलरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेनिंग सेंटर के बाद में बोला, मतलब आप जो बता रहे हैं आफ्टर ट्रेनिंग के बाद बता रहे हैं, आफ्टर ट्रेनिंग में आपको क्या होगा दोस्तों, ट्रेनिंग जैसे आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 1-2 इंक्रीमेंट आपको लग जाएगा। ठीक है, जैसे आपको बेसिक पे 21,700 है, ये साल में 2 इंक्रीमेंट आपको लगते रहता है। ठीक है, तो उसमें जो एक साल में जो इंक्रीमेंट लगता है 21,700, तो एक बार आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा तो मतलब बेसिक पे अगर बढ़ जाएगा तो आपको DA भी बढ़ जाएगा। अगर मान के चलिए 21,700 से अगर आपको 22,200-23,000 अगर आपको बेसिक पे हो जाएगा तो उसका 10% भी तो होगा DA। ठीक है, तो DA भी तब बढ़ जाएगा। तो ये आफ्टर ट्रेनिंग की बात बता रहे, जितनी आपको सर्विस होते रहेगा आपका जो बेसिक पे भी बढ़ते रहेगा, DA भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से बढ़ते रहेगा। और दोस्तों आपको जो रिक्स अलाउंस की बात में बोला, तो रिक्स अलाउंस आपको ट्रेनिंग के बाद अपना जो पोस्टिंग जाएगा, पोस्टिंग के जिस एरिया में
जहाँ पोस्टिंग जाएगा उसी जो क्षेत्रों में जो आपको रिक्स अलाउंस जो होता है, जो हार्डशिप अलाउंस में जिसको बोलते हैं, अगर आपको जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट 17,000 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 6,000 आपको कोई अगर बांग्लादेश बॉर्डर में होगा तो आपको 7,400 आपको मिलेगा, ठीक है। कोई आपको जो रिक्स ज़्यादा जोन जिस जोन में आपको ड्यूटी होगा उसी क्षेत्रों में अगर जितनी रिक्स है उसी हिसाब से आपको हार्डशिप अलाउंस होगा। आपको ट्रेनिंग के बाद अगर आप मिनिमम अगर आप 7,400 मान के चलिए अगर आपका हार्डशिप अलाउंस होगा तो आपको 46,000 आपको मिल जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। 46 आपको लगभग आपको मिल जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, आपको ऐसा मतलब आपके अकाउंट में आएगा पैसा, बाकी जो काट के मतलब पूरा आपका जो बैंक अकाउंट में आएगा पूरा काट कूट के जो जितना आएगा मतलब 46 आपको आ जाएगा, 46 प्लस आ जाएगा आपको आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। अगर आपको जो हार्डशिप अलाउंस मिनिमम अगर 7,400 में अगर काउंट किया जाएगा तो, ठीक है। तो ये अगर कोई अगर श्रीनगर में आपका जम्मू कश्मीर में और भी क्षेत्रों में जहाँ पे अलाउंस ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे काउंट करेगा तो फिर और 10,000-12,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अलाउंस कोई फिक्स नहीं होता है, आपको जिस एरिया जो आपको DA बेसिक पे HR ATPT है तो फिक्स होता है, लेकिन जो हार्डशिप अलाउंस है, ठीक है, जो रिक्स अलाउंस है ये फिक्स नहीं होता है। आप जिस यूनिट पे ड्यूटी करेगा उसी यूनिट का आपका रिक्स देखा जाएगा, उसी हिसाब से आपको सैलरी बनता है। तो दोस्तों ये था BSF की जो सैलरी के बारे में, ट्रेनिंग के टाइम कितने मिलेगा, ट्रेनिंग के टाइम आपको 40,000 तक मिल जाएगा, ट्रेनिंग के टाइम आपको जैसे आपको जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे तो लगभग 40,000 आपको मिल जाएगा अकाउंट में आपको देने के लिए सैलरी, ट्रेनिंग के बाद आपका 46 समथिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको जो न्यू SSC ED वैकेंसी भी आ रहा है 5 तारीख को आपको फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, फिर नेक्स्ट मिलता है इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके।